मैरिज इन मुस्लिम, यानी कि विवाह मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम विधि में विवाह की अवधारणा के विषय में, जिसको निकाह के नाम से मुस्लिम विधि में जानते हैं। तो जो इस्लाम पूर्व अरब समाज था वह बहुत ही भोग विलासी था और लोग असीमित बहुपत्नी प्रथा थी और एक पुरुष कई स्त्रियां रखता था और कई प्रकार के विवाह वहां प्रचलन में थे और तमाम तलाक द्वारा विवाह के विच्छेद कर दिए जाते थे। जो पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन होता था वो बहुत ही अस्थिर होता था। अब हम बात करते हैं निकाह, जिसको विवाह भी कहते हैं, तो मुस्लिम विधि में इसको निकाह कहते हैं। तो निकाह का अर्थ होता है एक दूसरे को बांध देना। तो निकाह जो है, निकाह की जो परंपरा चली उससे सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। सामाजिक प्रतिष्ठा भी एक महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। मुहम्मद साहब ने 4 विवाह की मान्यता दी है, और क्योंकि मुहम्मद साहब भी 4 शादियां की किए जो है, तो विवाह का मुहम्मद साहब का यह कहना था, मेहर जिसको कहते हैं, तो पत्नी को जो पति जो है सम्मान प्रकट करने के लिए कुछ उपहार स्वरूप कुछ देना चाहिए विवाह में। यह जो है पत्नी के प्रति, स्त्री के प्रति एक प्रकार का एक सम्मान था। तो मुस्लिम व्यक्ति यदि सरकारी सेवा में होता है तो वह बिना सरकार की पूर्व अनुमति के 1 से अधिक विवाह नहीं कर सकता है। ऐसे लोग एक से दो विवाह कर लेते हैं, लेकिन कुरान में भी जो एक विवाह पर ज़्यादा बल दिया गया है और विवाह न करने को जो है अच्छा नहीं माना जाता है इस्लाम धर्म में। तो मुस्लिम विवाह की परिभाषा, मुस्लिम विवाह जो है पति पत्नी जो है स्त्री और पुरुष के बीच जो संभोग है, संभोग को वैधानिक मान्यता प्रदान करते हैं और संतान की वैधानिकता प्रदान करने वाली एक प्रकार की यह मुस्लिम विवाह संविदा है। क्योंकि यह मुस्लिम जो विवाह होता है, जो मुस्लिम निकाह होता है, वह धार्मिक संस्कार नहीं है, वह एक प्रकार की संविदा है। हिदाया, हिदाया क्या है? अल हिदाया जो है बुरहान अल दिन अल मरगिनानी के द्वारा, ये जो 12th century का एक लीगल मैनुअल है, ठीक है, तो उसमें मुस्लिम विवाह की परिभाषा दी गई है कि संतानोत्पत्ति को वैधानिकता प्रदान करने वाली विवाह एक प्रकार की संविदा है। और न्यायमूर्ति महमूद ने विवाह को संविदा कहा है और विवाह संस्कार नहीं है। वहीं हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार होता है। आगे मुस्लिम विधि में विवाह एक संविदा है जिसका उद्देश्य संभोग को वैधानिकता प्रदान करना और संतान को औरसता। विवाह की प्रकृति एवं स्वरूप क्या है? संविदा, विवाह एक प्रकार की संविदा है। विवाह की जो मुस्लिम विधि में जो प्रकृति है वह सांविधिक प्रकृति है और इसका एक न्यायिक पक्ष भी है और इसका सामाजिक और धार्मिक महत्व भी है। विधिक पक्ष क्या है? न्यायालयों की दृष्टि में विवाह एक प्रकार का संविदा है। और सांविधिक स्वरूप की अवमानना के क्या तथ्य हैं इसमें? संविदा के समान दोनों पक्ष की सहमति होनी चाहिए पति पत्नी की, और संविदा के समान बिना किसी प्रस्ताव के स्वीकृत के बिना अगर कोई एक पक्ष भी राजी नहीं होता है तो विवाह निकाह अपूर्ण माना जाता है। इसमें दाम्पत्य जीवन की शर्तें होती हैं और विवाह विच्छेद के भी कुछ नियम होते हैं। तो सामाजिक पक्ष क्या है? सामाजिक पक्ष ये है विवाह निकाह का,
कि स्त्रियों को समाज में सम्मान मिला इससे, निकाह से, और पुरुषों से समानता जो है, समानता भी स्त्रियों को मिली, जैसे उसमें मेहर प्राप्त करने का अधिकार मिला, एक से एक भी एक विवाह जो है एक से चार विवाह के बीच में ही बांध दिया गया, एक विवाह के बाद जो है जहाँ दूसरा विवाह करने गए उनको एक उचित कारण देना पड़ेगा कि क्यों करने जा रहे हैं, क्या कारण है। तो धार्मिक पक्ष क्या है, कुरान में बिना किसी कारण के अबाहित रहना कुरान के निर्देशों का उल्लंघन और धार्मिक कृत्य माना गया है। पैगंबर मुहम्मद के सुन्नत का अनुसरण प्रत्येक मुस्लिम का धार्मिक कर्तव्य है। और प्रकृति क्या है इसकी, दाम्पत्य अधिकारों और कर्तव्यों का इसमें नियमन होता है, और जो समाज होता है वह व्यभिचार रहित होता है, और क्योंकि व्यभिचार रहित होने का अर्थ ये हो जाता है, इसलिए व्यभिचार रहित समाज हो जाता है, क्योंकि जो है निकाह को एक वैधानिकता मिल जाती है। और मुस्लिम का जो धार्मिक जो दायित्व का भी लोग निर्वहन करते हैं, विधि मान्य विवाह की धार्मिक शर्तें, तो पति पत्नी का इसमें सक्षम होना जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और अगर जैसे वह वयस्क न हो तो अभिभावकों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, और कुछ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं जो भी आवश्यकता, और पक्षकारों का सक्षम होना में जो दोनों जो हैं यौवनावस्था की प्राप्ति होनी चाहिए, और स्वस्थ मस्तिष्क, और वह मुस्लिम होने चाहिए जो विवाह के लिए जो है। यौवनावस्था की एज के विषय में इसमें बताते हैं कि 15 साल में जो है यौवनावस्था आती है। हिदायत के अनुसार लड़का 12 वर्ष का और लड़की 9 वर्ष की एज में यौवनावस्था को प्राप्त कर लेती है। और तमाम ग्रंथों में, मुस्लिम ग्रंथों में तमाम अलग अलग दिया हुआ है सब जगह। तो यह है मुसम्मात अतिका बेगम बनाम मोहम्मद इब्राहिम में प्रिवी काउंसिल ने ये अपना कथन दिया था कि मुस्लिम विधि में लड़की निम्न में से दो घटनाओं पर वयस्क के घटित होने पर, दो घटनाएं मतलब बताया जिसमें घटित होने पर वयस्क हो जाती है। पहला तो अगर लड़की 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले या इसके पूर्व यौवनावस्था प्राप्त होने पर जो है, अगर कोई इस कारण से आ जाता है तब तो दोनों पक्ष इसमें जो है कि सहमति इसमें ज़रूरी है, अभिभावक की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों पक्ष जैसे कहते भी हैं कि मियां बीबी राजे तो क्या करेगा काजी। तो अवयस्क विवाह क्या होता है, अवयस्क जो विवाह होता है इसमें जो नियम है मुस्लिम विधि में, तो इसमें अभिभावक की सहमत से जो है अवयस्क विवाह मान्य होते हैं। अभिभावक जो है पिता हो सकता है, पितामह हो सकता है, भाई हो सकता है, पितृकुल के अन्य सदस्य हो सकते हैं, माता हो सकती है, मामा हो सकती है, मातृकुल के सदस्य हो सकते हैं। सिया विधि में जो अभिभावक होते हैं केवल पिता और पितामह ही होते हैं, चाहे वो कितने भी उच्च कुल के क्यों न हो। इस प्रकार से जो विवाह है तो विवाह की अवधारणा पर एक सामान्य जो सामान्य विचार है वो हमने रखने का प्रयास किया।